गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, व्लॉग नंबर टू ऑफ टू अ सागा। होप सो आपको पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी यार सीन ऐसा हुआ है कि कल हम पहुंच गए थे पिंडी, लेकिन यार हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, इसलिए मैंने कहा व्लॉग नहीं बनाया, हम सिर्फ सो रहे थे। अगर आपको व्लॉग देखना है तो आप खुद सो जाए, अपने आप को देख लें। जोक्स अपार्ट, लेकिन आज हम जा रहे हैं सवात। अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, हमने नाश्ता कर लिया क्योंकि वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए यार हमने नाश्ता बहुत हल्का फुल्का किया है, बिस्किट चाय खाया बस हमने। और अभी बस गाड़ी इंशाल्लाह आती है, गाड़ी आती है आपको फिर अपडेट करते हैं। अभी हम नीचे आ रहे हैं, अभी 12 बज गए हैं और हमें अभी चेकआउट करना है, तो हम इंशाल्लाह चेकआउट करते हैं और आपसे मिलते हैं। अभी सारा हमने सामान वामान पहुँचा दिया जाएगा और वैसे अभी हम चेकआउट करने लगेंगे, और अभी बस नीचे चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि अभी हमने 12 बजे चेकआउट कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद में ये होता है कि 12 बजे आपको चेकआउट करना पड़ता है, आप चाहे कहीं भी चलिए। और अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सवा की गाड़ी आती, सवा की निकलेंगे हम, बस सामान वामान सारा रख दिया, नीचे चलते हैं। और बूम भाई, सामान सब कुछ रख दिया जाएगा और अभी इस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। और असल में हम लोग रुकेंगे राजदा होटल में, जो कि फैज़ाबाद लोकेटेड हैगा और यहाँ पर अड्डे के पीछे ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि कल बहुत धुंध थी, आज धूप आएगी तो अच्छी खासी, तो बाहर आए अब धूप जाके देखी है, अच्छी खासी धूप हो गई है। और यहाँ पर ये पूरा समझ लें कि मार्केट है, कि जहाँ रुकते हैं ना उसके पीछे पूरा लुंडा बाजार है टाइप का ना, वहाँ से आपको सारा सामान मिल जाएगा आपकी सहूलत का, जो भी आपको चाहिए। और इंशाल्लाह अभी सवा की गाड़ी आती है और ये पूरा मॉल तो ये हो रहा है, धूप निकलेगी, अच्छी बात ये है, क्योंकि कल पूरे दिन धूप ही निकली थी और कल अच्छी भाई ठंड भी थी। यहाँ पर इंतज़ार करते हुए हम पीने करने का बस, यहाँ भी हमने अभी पी बंदो पुलाव लिया है, गाड़ी से करते हैं। तो यार अभी हमने पुलाव का के चेक किया है और अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आए हम लोग और हमने यहाँ पे चीज़ पराठा लगवाया है, ये बन जाएगा, ये नॉर्मल पराठे हैं और ये चीज़ पराठे की मेकिंग हो रही है। तो अभी खा के चेक करते हैं आपको और उसके बाद बताते हैं कैसा है। आलू का पराठा भी बन रहा है, साथ साथ दो पराठे बनवाए, एक चीज़ और एक आलू, दोनों खा के चेक करवाते हैं आपको कैसा है। हमारे करीम भाई पराठा बनाते हुए, हमने दो पराठे लगवाए और एक चीज़ पराठा लगवाया और एक आलू वाला पराठा, पराठे आ चुके हैं और खा के चेक करवाते हैं आपको। सबसे पहले चीज़ पराठा ये था, ये देखें बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, और ये इसको हम देंगे और एक बाइट लेते हैं। का पराठा इसके अंदर भी अच्छी फीलिंग हुई, देख सकते हैं आप। और अब हम यहाँ पर सिर्फ गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और हमारी फैमिली पूरा बैठे खाना खा रही है, मेरे अब्बू हैं नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी जो चाचू वगैरह वो होटल में ही रुके हैं, गाड़ी का वो देख रहे हैं, जब गाड़ी आएगी तो कॉल कर। यहाँ पे गाड़ी बाड़ी आ चुकी है कि और सामान लोड हो रहा है अभी, और ये गाड़ी है कि हमारी और सामान लोड कर रहे हैं भाई, भाई सामान लोड कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे 1 बज रहा है और हमें पता है हम लेट निकल रहे हैं, क्योंकि यार पहली बात तो गाड़ी नहीं हो पाई थी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से हुई, रेट बहुत हाई चल रहे हैं। और अगर आप आएगा तो मैं इनका नंबर आपको नीचे लगा दूंगा, अगर आपको हाइक चाहिए हो कहीं जाने के लिए तो इनका नंबर नीचे लगा दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मेरे को पहुँचा देंगे। हम चार जगह आ रहे हैं, सवाद कलाम बैजी मालम जब्बा और मैंगोरा, वापसी में वही छोड़ेंगे नहीं ये, और बहुत ही अच्छे प्राइस में लेके जा रहे हैं। मैं इनका नंबर लगा दूँ नीचे और आप उनसे कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट कर लेगा, बस अभी सामान लोड होता है फिर निकलते हैं।
वेलकम टू सवाद मोटरवे। सवाद मोटरवे पे हम चढ़ चुके हैं, हमने पिशावर मोटरवे ख़त्म कर दिया है और अभी भी अच्छा खासा दो डेढ़ या दो घंटे का अभी भी रास्ता है सवाद का। और अभी से वहाँ चले, देख सकते हैं आप, हरियाली चेक करो बस यार, इसी के लिए तो आते हैं, यही तो सारे पैसे होते हैं। अभी तो सवाद भी इंटर नहीं हुआ यार, माशाल्लाह देखें बस आप कितनी हरियाली है, इसी के लिए पैसे होते हैं सारे। और वहाँ पर मेरी फैमिली वो खड़ी हुई, हम सब रुके हैं वहाँ पर, और अभी भी डेढ़ दो घंटा रहता है सवाद वैली के लिए, अभी भी 150 किलोमीटर रहेगा अभी भी, और अभी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सवाद पहुँच के अपडेट करते हैं। लेकिन बस यार दिल जो है ना, ये देखो सारा पैसा सीखा होता है, बस अभी सवाद पहुँचते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। यार सवाद में जाते वक्त अभी हम यहाँ पे एक बेकरी में रुकेंगे, और कैफ़े हैगा ये एक कैप का, हम यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही अच्छे एम्बियंस है इसका। और अभी जाते हैं कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए, और अभी ये Mart 21, और यहाँ पे एक राहत बेकर्स भी हैगा, और अभी ये एक कॉफ़ी का हैगा लेकिन बंद हैगा ये अभी, और अभी जाते हैं कुछ खाने पीने को लेते हैं, देखते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है। सामने मार्ट हैगी, पूरी चाय है, कॉफ़ी है और शुगर फ्री चाय भी हैगी, अगर आपका दिमाग सर चकरार है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और कुछ देख के अपना माइंड पे कर सकते हैं। सवाद इंटर हो चुके हैंगे हम, और अभी हम आगे आगे की तरफ आगे की जान जा रहे हैं। सवाद इंटर हो चुके हैंगे, और ये देखें बस आप व्यू चेक करें यार, बस व्यू होता है सच में, व्यू इसी के पैसे होते हैं बस। और यार ठंड अभी सी है, ठंड इतनी नहीं है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ अभी कुछ पता नहीं है, जब रात होगी जब पता चलेगा ठंड है नहीं। और अब क्रॉस करते हैं हम भी, और यहाँ पर आप मेरा अबू जा रहे हैं भाई के साथ अपने, और यहाँ पर हम आए कि चीज़ की दुकान पे, हम लोग सॉरी मेवे की दुकान है, मेवे की दुकान है, और यहाँ पर कई किस्म के अखरोट रखे हुए होंगे, अखरोट ही अखरोट भरे हैं ज़्यादातर, यहाँ अभी भी अखरोट हैं, बाकी ये सब चीज़ें होंगी, देखते हैं प्राइस वाइस पूछना। यहाँ पर सारे बादाम वादाम लगे हुए होंगे, और अभी बात चल रही है अभी यहाँ पे अबू अखरोट देखते हुए अखरोट ले रहे हैं, 700 रुपये किलो अखरोट हैंगे, अलग 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 टाइप के अखरोट हैंगे, अभी प्राइस पूछ के बता दें आपसे। फाइनली सवाद पहुंच चुके हैं हम, और अभी सवाद पहुंचे हैं, अभी हमने होटल वोटल सब ले लिया है, बस अभी सामान उतर रहा हमारा, और अभी इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे होटल में, फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद खाने पीने करने आएंगे, क्योंकि यार हम यहाँ पे हमेशा रुकते हैं, ये लाहौर होटल नाम है इसका, हम लोग पहले चले गए थे मंगोलों से, अभी आ गए थे, यानी कि हमारी अच्छी खासी खौरी हो गई थी, और फिर अभी मैंने मैप गूगल मैप की वजह से लोकेशन लगाई तो हम यहाँ पर पहुँच पाए, वरना हम घूमे आए थे एक सर्कल के अंदर ना, तो बस अभी पानी वानी और अभी फ्रेश फ्रेश होते हैं और आपसे मिलते हैं। आया सामान उठाकर, हमने डिसेंट से उधर किया है, इतना हाई फाई उठे नहीं दे दिया, इतना पैसे खराब नहीं करना है, इसलिए हमें थोड़ा कम ही हो, हाई फाई उठे नहीं दिया इतना, बस इंशाल्लाह अब जाएंगे होटल में कमरे में जा रहे हैं, और ये लाहौर लाहौर नाम है होटल का, हमने डिसेंट से उधर लिया है क्योंकि हमें कल निकलना है यहाँ से सुबह कलाम के लिए, तो फिर इंशाल्लाह अभी होटल। तो यार अभी हम होटल से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ पर ना पास ही में एक अलजायका नाम का होटल है, और हम हर साल जब भी आते हैं ना, 2 साल पहले आए थे हम,
सवाद तो हमने वहीं से खाना खाया था और बेहतरीन खाना है उसका, और जिसमें अच्छे प्राइस में मिल जाए तो वहीं पे जाएंगे अभी हम और खाना वाना खाने आगे आगे, क्योंकि सुबह से हम सफ़र ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया है। सुबह से हम लोग भूखे आएंगे और सिर्फ छोटी मोटी क्रेविंग की है, या तो बिस्किट चाय खा लिया या तो वहाँ की कॉफ़ी वॉफी पी, बस अब सही से नाश्ता खाना वाना खाएँगे पूरा। और अभी जाहिद होटल जाएगा वहाँ पे आके, जाएगा सर वहाँ पे आके इंशाल्लाह आपको यहाँ चपली कबाब ले जाएंगे हम, और चपली कबाब 100 रुपये का एक रहेगा और 100 रुपये का चपली कबाब रहेगा। ये अभी ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसे है वो चपली कबाब, क्योंकि यार चपली कबाब को यकीन माने अभी आप जाएंगे ना मरी इंशाल्लाह तो वहाँ पे होगी चपली कबाब बिल्कुल, जो नीचे है ना आपका कवल के शॉपिंग मॉल जो है माल रोड के नीचे आके वहाँ पे एक दुकान है अपनी चपली कबाब दुकान के आपके। पापा चेक कर रहे हैं भाई कैसे कैसा है बेहतरीन, तो हम भी एक ट्राई करते हैं तोड़ के और चेक करते हैं। बेहतरीन मज़े का आएगा, लेकिन वैसा नहीं मरी जैसा, जो मरी में है ना मरी का बड़ा बच चुके हैं जायका रेस्टोरेंट, और इसका खाना बड़ा बेहतरीन होता है। वैसे हमने जब 2 साल पहले आए जब भी खाया था हमने, और बड़ा बेहतरीन उसका खाना होता है और इसका एम्बियंस भी बड़ा अच्छा आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर बैठ के खाएं नीचे बैठ के खाएं, ये देखें ज़रा ऊपर भी पूरा बना हुआ है बैठ के खाने का और नीचे भी आपकी मर्ज़ी, आप जब भी खा सकेंगे और आपकी मर्ज़ी आप जहाँ जायका होटल और इसका एम्बियंस। और अभी हम मेन्यू देखेंगे और ऑर्डर देंगे और आपको बताएंगे क्या ऑर्डर देंगे। बहुत अच्छे प्राइस में है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा प्राइस है इनका होटल का और इनका एम्बियंस भी बड़ा अच्छा है। तो अगर आप सवाद आ रहे हैं तो ये मैंगोला के पास ही हैगा, आप लोकेशन लगा सकते हैं गूगल मैप्स में, इंशाल्लाह आएँ और खाना बहुत। यहाँ पे अभी हम बैठेंगे और ऑर्डर देंगे, अभी हमने वो ले लिया है इनका मेन्यू, मेन्यू तो बड़ा अच्छा है और बहुत ही कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप खा के चेक करेंगे कैसा है। और ये जाएगा होटल का ये, और यहाँ पे इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा एम्बियंस हैगा। और अभी हम अंदर बैठे हैं क्योंकि अभी ये उस टाइम पर बैठे हैं तब आप क्योंकि गर्मी हो, अभी वो ठंड है ना इसलिए रात के टाइम में इसलिए अंदर बैठेंगे, और अंदर का भी अच्छा एम्बियंस है, ये नहीं कि अंदर का अच्छा नहीं है, क्या कहें आप अंदर का भी अच्छा एम्बियंस हैगा और बिल्कुल बेहतरीन सा। मैं भी देखते हैं आपको दिखा यार, अभी हमने ना ऑर्डर दे दिया है, हमने जिंगर बर्गर मंगवाया है, चाउमीन मंगवाया है, मलाई बूटी मंगवाई है और कढ़ाई मंगवाई है, टिक्का मंगवाया है और भी बहुत चीज़ें मंगवाई हैं। और अभी आते हैं तो उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब पिछली बार खाया था तो अच्छा ही था, इसी बिना पे हम यहाँ पे आए वरना और भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अभी इंशाल्लाह जाके देखते हैं और बताते हैं आपको कैसा खाना है। बस खाना पीना हो गया है, बस मैं ये भी वही ब्लॉग को एंड करूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर देगा तो फिर होगा फिर इंशाल्लाह।